हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं ऑलरेडी आपके साथ दो पार्ट शेयर कर चुकी हूँ माय बुली के। ये थर्ड पार्ट है। पहले आप पार्ट 25 को सुने, देन 26 को, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं गाइस। आज की स्टोरी जो है, वहाँ पर लवांगची जो है वो स्वीट रूम में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस था और विभूषण उतना ही ज़्यादा अपने स्वीट रूम में जाने के लिए एक्साइटेड था। जैसे ही यहाँ पर उन लोगों को एक कार्ड मिलता है जो कि यह दरवाजे के साथ लगाना होता है, वो कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं था, की था। और जब उस कार्ड को हैंगिंग जगह पर रख देते हैं तो उस कार्ड को जैसे ही हम एक जगह पर इंसर्ट करते हैं, उससे पूरे कमरे की बिजली आ गई थी। वो कमरा बहुत बड़ा था, वो कमरा बिल्कुल हनीमून स्वीट जैसा था, जहाँ पर अटैच वॉशरूम, उसमें बाथिंग सेशन था जिसमें आप हॉट ल्यूकॉम वाटर का बात ले सकते हैं, ग्लास पूरा लगा हुआ था। और तो और वहाँ एक जकूजी थी जैसे कि बाथटब होता है, जिसमें बैठ के हम नहा सकते हैं। यहाँ पर इतना अरोमा तरीके से उसे सजाया गया था, वो जो जकूजी थी उसे गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। विंग ने सारे अरेंजमेंट पहले ही कर दिए थे और वांगची की आँखें खुली की खुली रह गई थी कि ये क्या है। पूरा रूम जो था वो गुलाब की पंखुड़ियों और चंदन की महक से महका हुआ था। वहाँ इंसेंस बर्नर रखा हुआ था जिससे चंदन की महक आ रही थी। और जो कमरा था वो एकदम वार्म्थ फीलिंग दे रहा था, बिल्कुल गर्माइश, अपनापन, एक एहसास, एक खुशबू जो लोगों को दीवाना कर दे। और इस तरह का ही पूरा मंज़र विंग ने पूरा अच्छे से लगवाया हुआ था। वहाँ पर जब सूरज की किरण की रोशनी आए तो पूरा कमरा रोशन हो जाए, और जब रात में अंधेरा हो तो तारों की छांव उस पूरे कमरे को रोशनियों से भर दे। तो वहाँ पर अगर कोई रोमांस भी करे तो किसी की आवाज़ किसी को दिखे ना। यहाँ पर बालकनी इतनी सुंदर लगी हुई थी, इतनी सुंदर सजी हुई थी, एक मिनी सा गार्डन था उसमें। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें वांग जी हैरान था। कमरे में इतना सुंदर सा बिस्तरा था जिसे पूरे अच्छे से एक हनीमून कपल के लिए सजाया जाता है। और तो और वहाँ पर बिस्तर के बीच में उन्होंने चावल के यानी के तोलिए के दो हंस बनाए हुए थे, और उन हंस के बीच में कॉन्डम रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद वांगजी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और विंग भी शर्मा के इधर उधर देखने लगता है। वांगजी कहता है ये क्या है। विंग कहता है ये हनीमून स्वीट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको इस तरह से ही सजाया जाता है। तो वांगजी कहता है बट हम कपल नहीं हैं। विंग कहता है पर जानने वाले को कैसे पता, वो हमें जानता थोड़ी था जिससे मैंने बुकिंग कराई है। उसे तो लगा होगा शायद मैं अपने साथ अपनी किसी गर्लफ्रेंड, वाइफ या मिस्ट्रेस को लाया होऊंगा। लवांगची कहता है पहली बात मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ, और ना ही मैं तुम्हारा वाइफ हूँ। मीन कहता है हाँ हाँ तुम अभी वाइफ नहीं हो, सून टू भी वाइफ तो हो ना। लवांगची ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो मजाक उड़ाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमसे मैं तो सोच रहा हूँ तुमसे शादी क्यों करनी, तुमसे शादी करने के प्लान ही मैं कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं मुझे कोई अच्छा और बेहतरीन अल्फा मिल जाएगा। जैसे ही लवांगची ये चीज़ बोलता है, विंग यहाँ पर पीछे से आके उसकी बैग को स्वीज कर देता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी नेक पे किस करते हुए कहता है खबरदार जो सोचा भी, खा जाऊँगा मैं तुम्हें पूरा का पूरा। लवांगची कहता है इतना दम नहीं है तुम्हें कि तुम मुझे खा जाओ। विंग कहता है डोंट चैलेंज मी लंचा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए यहाँ पर रात एक एक दिन बिताना हार्ड हो जाए, और वैसे भी शायद तुम्हें पता ना हो हम यहाँ पर पूरे 10 दिन रहेंगे। लंजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है विंग तुमने मुझे एक हफ्ता कहा था। यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है मेरे कहने से क्या होता है, बुकिंग तो बुकिंग है, तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं हम यहाँ कितने दिन के लिए हैं और कितने दिन के लिए नहीं, तुमने मैंने जो कहा वो मान लिया। यहाँ पर लंजा कहता है मैं इतने सारे कपड़े नहीं लाया। विंग कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं, मैं तुम्हें और ले दूंगा। वांग जी कहता है अच्छा ऐसा था तो तुमने दो रूम बुक क्यों नहीं की। विंग कहता है वो ना रूम्स पहले बुक हो गए थे, बट डोंट वरी देखो ना। वो यहाँ पर फटाफट से बेड पे कूद जाता है और बेड जिस पे स्प्रिंग लगे हुए थे गद्दों में उन पे उछल उछल के दिखाता है और कहता है कि ये कितना कम्फर्टेबल है, देखो ना यहाँ पर तो लेटते ही मैं उछल रहा हूँ, देखो जिसे रोमांस करना होता है उसके लिए तो कितना कम्फर्टेबल होगा। आप एक बार रोमांस शुरू करोगे तो इससे बाउंस कितना अच्छा आएगा। ये सुनते ही लवांगजी गुस्से में लाल पीला हो जाता है और कहता है शेमलेस तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, किस तरह की बातें कर रहे हो। विंग यहाँ पर जानकर
उछल उछल के लेट के दिखाता है और कहता है, वांग जी देखो ना ये कितना कंफर्टेबल है। वांग जी कहता है, तुम्हारी साइड ना मेरी साइड लेफ्ट होगी, तुम्हारी साइड राइट होगी। विंग कहता है, नहीं मैं पूरे बेड पे सोऊंगा तुम्हें हक करके। लवांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं मेरी साइड आना भी मत। विंग कहता है, ओ रियली। धीरे धीरे विंग यहाँ पर अपने कपड़े खोलने लगता है। वो पहले तो अपना कोट उतार के साइड वाले सोफे पर रख देता है और फिर धीरे धीरे वो अपने काफ्स को खोलने लगता है। लवांग जी यहाँ पर विंग को देखकर, जो कि बहुत हॉट लग रहा था, उसे कुछ होने लगता है और वो बालकनी में जाने लगता है। विंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं मैं बालकनी में जा रहा हूँ, यहाँ का छोटा सा बालकनी वाला गार्डन कितना अच्छा है ना। विंग कहता है, बाद में देखना वो बालकनी। अपनी शर्ट को धीरे धीरे फ्रंट से पूरा खोल देता है और कहता है, इधर आओ ना मुझे हक करना है। वांग जी शर्माते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं तुमने अपनी शर्ट के फ्रंट के रोप्स खोल मतलब बटन्स खोले हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी नेकेड चेस्ट से क्यों हक करूँ, मुझे नहीं मिलना। विंग यहाँ पर ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है वांग जी को। दोनों के दोनों इस खींचातानी में बेड पे गिर जाते हैं। वांग जी विंग के ऊपर आके गिर जाता है और विंग वांग जी के नीचे होता है। यहाँ पर जो लवांग जी था उसका बिल्कुल जो लिप्स थे वो विंग की नेकेड चेस्ट से टकरा जाते हैं। विंग यहाँ पर वांग जी उठने की कोशिश करता है तो उसकी कमर को पकड़ के उसे फिर से टाइट हक कर लेता है और कहता है, नहीं मैं नहीं हिलने दूंगा, प्लीज़ डोंट मूव। अगर तुम ऐसे मूव करोगे ना तो वांग जी तुम्हें पता है ना एक अल्फा के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तुम यहाँ मूव करोगे और रिएक्शन नीचे से आ जाएगा। वांग जी समझ रहा था विंग क्या कहना चाहता है। वह विंग की बातों को अवॉइड करता है लेकिन विंग फिर से उसे खींच के अपनी बॉडी पे फिर से चिपका लेता है। यहाँ पर वांग जी के लिप्स उसकी चेस्ट के साथ थे, उसकी गरम गरम सांसें विंग की चेस्ट पे लग रही थी और विंग यहाँ वांग जी के क्राउन एरिया यानी कि सिर के ऊपर के एरिया पे किस कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग छोड़ो मुझे। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वो फटाफट से वांग जी को फ्लिप कर देता है और खुद वांग जी के ऊपर आ जाता है। उसकी खुली खुली शर्ट से उसकी चेस्ट एक्सपोज हो रही थी। वांग जी का मुँह अभी भी उसकी चेस्ट के बिल्कुल सामने था। वांग जी अपनी नज़र उठा के विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से उसे देख रहा था और फिर विंग को वो अपने हाथों से झटके मार के उठाने की कोशिश करता है तो विंग वांग जी की दोनों रिस्ट को यानी कि कलाइयों को पकड़ लेता है और दोनों कलाइयों को बेड पर रख देता है। वांग जी कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, बहुत टाइम हो गया मुझे तुम्हें किस करना है। और जैसे ही वो कहता है, वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी के तभी विंग खुद को रोकने का वाला था, वो वांग जी को फटाफट से किस करने लगता है। पहले वो वांग जी के लिप्स के पास आता है तो वांग जी से दूर जाता है, पर विंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो वांग जी के थोड़ा थोड़ा नज़दीक आता है, वांग जी थोड़ा थोड़ा दूर जाता है। विंग एकदम से वांग जी से जब पीछे हटता है तो वांग जी अपने आप को जैसे ही स्टेबल करने वाला होता है कि विंग उसके लिप्स को अपने लिप्स से जकड़ लेता है। वो उसके लिप्स को जो कि अब टाइटली बंद थे उन्हें किस करता है। वांग जी विंग को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता था लेकिन धीरे धीरे उसका भी कठोरपन हट रहा था। अब वो भी स्टबर नहीं रह सकता था, वो भी धीरे धीरे विंग को किस करने लगता है। दोनों अल्फा के फेरोमोन्स यहाँ पर बहुत तेज़ी से भर रहे थे रूम में। वांग जी की खुशबू यहाँ पर अल्फा को बहुत ज़्यादा पागल कर रही थी। विंग यहाँ पर वांग जी को बहुत ज़्यादा स्मूच करता है। वांग जी भी अपने लिप्स को ओपन कर देता है और विंग को अपने लिप्स में उसके लिप्स को अटैच करके एक रफ रोमांटिक और पैशनेट किस शुरू कर देते हैं। दोनों ने एक दूसरे के लोअर लिप को बाइट करना शुरू कर दिया था। कभी विंग वांग जी का लोअर जो लिप था उसे बाइट करता है तो वांग जी के मुंह से मुआन निकलने लगता है और कभी वांग जी जो था वो विंग के लोअर लिप को बाइट करने लगता है तो विंग के मुंह से मुआन निकलने लगता है। दोनों की लोअर बॉडी एक दूसरे की लोअर बॉडी से रब हो रही थी। वांग जी की अब आँखें धीरे धीरे नशीली हो रही थी, विंग भी नशे में डूब रहा था। वांग जी और विंग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। धीरे धीरे विंग वांग जी की टंग को अपनी टंग से सक कर रहा था। दोनों के बीच एक हॉट सा रोमांटिक सा पैशनेट सा टाइम बीत रहा था। विंग धीरे धीरे वांग जी के नेक को किस करने लगता है, उसकी चीक्स को किस करने लगता है और फिर वह वांग जी की रिस्ट को छोड़कर उसे बालों से पकड़कर
उसके चेहरे को अपने चेहरे के नज़दीक लाए हुए अपनी सांसों को उसकी सांसों से छोड़ते हुए कहता है आई लव यू। वांगची भी यहाँ पर कहता है आई लव यू वीन, आई लव यू। यहाँ पर दोनों फिर से एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं और वीन धीरे धीरे अपनी शर्ट का बटन खोलकर अपनी शर्ट उतारने ही वाला था। वांगची भी यहाँ पर वीन की चेस्ट को अपने हाथों से टच करके देखता है, वो वीन के निपल को पिंच करता है और धीरे धीरे वो वीन के एब्स को फील करने लगता है। वीन कहता है वांगची क्या मैं तुम्हें स्मार्ट लगता हूँ, हैंडसम लगता हूँ? वांगची कहता है बहुत। वींग आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वींग यहाँ पर वांगची को किस करते हुए कहता है आई लव यू टू, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोनों वींग धीरे धीरे उसकी नेक पे अपनी सांसें छोड़ रहा था और कहता है वांगची मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ, बट गाइस माफ़ जो है वो विदाउट सेक्स नहीं हो सकता था। यहाँ पर लवांगची जो था वो नशे में बोल ही देता है कर सकते हो पर उसके बाद तुम्हें मुझे भी खुद को नहीं नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुम एक अल्फा हो। वांगची जैसे ही ये बोलता है वींग कहता है तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। वो यहाँ पर वांगची के दोनों घालों को अपने हाथों से पकड़ता है और वांगची के मुँह को थोड़ा ऊपर करता है, फिर वो वांगची की चिन से लेकर लोअर नेक तक किस करता जाता है। वो वांगजी की नेक को अच्छे से लिक करने लगता है। वांगजी का मुआन उसके चेहरे से दिख रहा था, उसकी हालत कितनी खस्ता हो रही है। वो धीरे से वींग अपनी शर्ट को खुलने मतलब पूरी तरह से उतारने लगता है कि तभी बेल बज जाती है। दोनों का रोमांटिक मूड एक मिनट में खलास हो जाता है। यहाँ पर दोनों अपने अपने कपड़ों को ठीक करते हैं। वींग अपने कपड़ों को क्योंकि शोल्डर्स पर आ गए थे और वांगजी अपने कपड़ों को, यहाँ पर वींग अपने कपड़ों अपनी शर्ट के बटन को बंद करने के बाद ही गेट खोलने जाता है। यहाँ पर जो होटल का स्टाफ था वो उनके लिए वेलकमिंग ड्रिंक्स लेके आया था। वींग को मन में लगता है इन लोगों को भी अभी आना था जब मैं और लंजा इतने अच्छे मूड में थे, सब कचरा कर दिया। लवांगची भी जो वींग से हट गया था वो उन वेलकमिंग ड्रिंक्स को बहुत अच्छे से पीता है। उनके लिए जो तरबूज होता है उसकी रस की ड्रिंक लेके आया गया था और पाइनएप्पल के रस की ड्रिंक लेके आया गया था। वांगजी और वींग उसे बड़े अच्छे से पीते हैं। ये ड्रिंक सच में बहुत ऑसम थी, इजीली ये ड्रिंक कहीं मिलती नहीं थी, लेकिन बाय चांस की बात है कि दोनों को आज पीने के लिए मिल गई थी। दोनों ही उस ड्रिंक का लुफ्त उठाते हैं। वींग मन मन में सोच रहा था शिट मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा बुरी है ना, मैं लवांगजी और आज रोमांस भी नहीं कर पाया, इन लोगों को कबाब में हड्डी बनना ज़रूरी था। यहाँ पर लवांगजी भी मन में सोचा था थैंक गॉड ये लोग आ गए वरना मैं और वींग तो पता नहीं क्या क्या कर देते। वो लोग कहते हैं सर आपसे मिलने के लिए जो यहाँ के स्पॉन्सर्स हैं वो आ गए हैं, आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर वींग लवांगजी की तरफ देखता है। दोनों की स्टेट बहुत बुरी थी और ऐसी स्टेट में वींग का उन लोगों से मिलना, लवांगजी और उसके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा इस रूम में फैले हुए थे। वो जानता था अगर वो ऐसी हालत में वांगची को बाहर लेके गया तो यहाँ पर लोगों की नज़रों में वांगची के लिए लस्ट आ सकता है, गलत धारणा आ सकती है। तो वह वांगची को कहता है तुम यहीं रहो मैं जाता हूँ। वांगची इससे पहले आर्ग्यू करे वींग उसे मना करा देता है और कहता है नहीं तुम यहीं रहोगे, वो इस कमरे में तुम्हारी जो खुशबू है वो कुछ ज़्यादा ही फैल गई है, मैं नहीं चाहता नीचे तुम आओ तो प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पर वांगची भी चुपचाप सिर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर वांगजी वींग की चीज़ों को समझता था और वींग के साथ कॉपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। यहाँ पर वींग भी वांगजी को देखता है, दोनों एक दूसरे को इशारे करते हैं और उसके बाद वींग यहाँ पर वांगजी को रूम में अच्छे से बाहर से बंद करके चला जाता है। लेकिन कीज़ लगे होने की वजह से वांगजी अंदर से कहीं भी बाहर जाना चाहे तो जा सकता था। वांगजी को कोई भी मनाही नहीं थी, बस उसे कोई नज़र से गंदी नज़र से ना देखे क्योंकि अभी उन दोनों ने हॉट किस शेयर की थी, जिसकी वजह से वींग की जो खुशबू है वो वांगजी की बॉडी पे और जो वांगजी की खुशबू है वो वींग की बॉडी पे लगी हुई थी। अगर ये नीचे जाते तो हमारे प्यारे लंजा के लिए मुसीबत हो सकती थी। वींग ने अपने प्यारे ओमेगा को सेफ रखना ज़्यादा बेहतर समझा। वींग यहाँ जैसे ही जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, स्पॉन्सर्स आए हुए थे, वो वींग से डिस्कस करते हैं इन लोगों का
साउथ कोरिया की काफ़ी सारी सिटीज़ में काफ़ी सारे प्रोग्राम थे, वो लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। बींग भी यहाँ पर उन लोगों से जाते हुए कुछ परमिशन लेता है कि जब उसे 2-3 सिटी घूमने को मिलेगी तो वो कुछ टाइम ऑफ लेके उन सिटीज़ को पूरे अच्छे से घूमना और उन उन जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके जितने भी बंदे थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो विंग को परमिशन दे देते हैं, लेकिन वो कहते थे कि विंग को अपनी परफॉर्मेंस से पहले कहीं जाने की अनुमति नहीं है। जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे लेगा उसके बाद वो जहाँ जाए वहाँ जा सकता है। विंग मुस्कुराता है, ऑब्वियस ही बात है परफॉर्मेंस देने में भी वो आज से तो नहीं दे रहा, उसे काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ों को संभाल सकता है। वो मन में सोचता है, लंजा आज हम पहली बार ऐसी जगह घूमने आए हैं, मैं चाहता हूँ कि जब हम यहाँ घूमें तुम यहाँ की हर अच्छी चीज़ को कलेक्ट करो और तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहो, तुम यहाँ से नई चीज़ें नई यादें और नई चीज़ें जोड़ के जाओ। बहुत ज़्यादा वी विजन एक्साइटेड था, और क्यों ना हो, वो लंजा पहली बार घूमने आए हैं और पहली बार उन्हें ऐसा मौका मिला है कि वो ऐसी जगह पे घूम सकें। उन्होंने अपना पूरा बचपन काफ़ी टाइम तक अकेले अकेले निकाल दिया या फिर एक दूसरे के साथ निकाल दिया, फैमिली के रिस्ट्रिक्शन हर चीज़ होने के बावजूद भी वो और वांगजी एक दूसरे से काफ़ी हद तक अटैच्ड हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वीन वांगजी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। वो सोचता है कि ये एक तरह से उनका प्री हनीमून कंसीडर किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजर से मिलने के बाद विंग यहाँ पर ऑर्डर कर देता है, वो लोग वैसे भी बहुत थक गए थे, वो लोग आराम से अपने अपने रूम में जाने के बाद लंच करते हैं और उसके बाद वो लोग सिटी घूमने के लिए निकल जाते हैं। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और मेरे दूसरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे जो स्टोरी है उसे सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसे सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।